हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विद अरविंद। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि सभी क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले। सीपीयू में एक डैश होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी सीपीयू, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सीपीयू ही क्या होता है, कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट होता है और अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब होता है जिसमें प्लस माइनस गुना भाग ये सब आपका जो है अर्थमेटिक में आता है, और जीरो से लेकर नाइन तक का नंबर। इसके बाद लॉजिक यूनिट का मतलब होता है जिसमें कंडीशन होता है, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, ये सब मिलके क्या बनता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये सभी आपका सीपीयू का एक हिस्सा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर टू है, डैश एक डिजाइन टूल है जो सॉल्यूशन एल्गोरिथम में ग्राफिकली लॉजिक दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्लो चार्ट। यानी आप लोग अगर प्रोग्रामिंग के बारे में नॉलेज होगा, तो प्रोग्रामिंग, जो भी प्रोग्राम बनाया जाता है, तो प्रोग्राम बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, एक टूल की मदद से डिज़ाइन तैयार करते हैं, और उस डिज़ाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट। जिसमें क्या होता है, इनपुट के लिए अलग डायग्राम होता है, कंडीशन के लिए अलग होता है, आपका जो है प्रोसेसिंग के लिए अलग होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि एक फ्लो चार्ट बनाया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर थ्री है, GUI का पूरा नाम क्या है। तो GUI, जिसमें आप जानते होंगे कंप्यूटर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बताया गया होगा कि दो प्रकार का होता है, एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का ही एग्जाम्पल है विंडोज, जो हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज करते हैं, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर फोर है, वीसेट का पूरा नाम क्या है। तो वीसेट का पूरा नाम, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। आप लोगों को नेटवर्क के बारे में पता होगा कि जब हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, तो शुरुआती दौर में जो है आपका अर्पानेट नेटवर्क आपका यूज होता था, इसके बाद आपका जो है MTNL आया, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, इसके बाद आपका आया उसके उस समय था आपका जो है VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, फिर आपका BSNL आया। तो इसी तरह क्या है ना कि रेलवे का यूज के लिए जो है आपका एक वीसेट नेटवर्क, हालांकि और भी जगह यूज होता है, लेकिन वीसेट जो है रेलवे ज़्यादातर इसका यूज करता था। तो वीसेट जो है ये क्या है कि एक आपका नेटवर्क है, नेटवर्क का एक टाइप है, और इसका पूरा नाम वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर फाइव है, अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि निम्नलिखित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ईमेल। यानी अगर आप देखा जाए तो इंटरनेट गतिविधि में सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय है, जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, वो आपका जो है ईमेल का। इसके अलावा डाउनलोडिंग म्यूजिक, चलचित्रों के ट्रेलर देखना, किताबों की खरीदारी, इन सब का उतना यूज, हालांकि यूज इनका भी होता है, लेकिन जितना यूज, जितना लोकप्रिय आपका ईमेल है, उतना लोकप्रिय ये सब नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, कीबोर्ड पर जीरो से लेकर नाइन तक की लेवल वाली कीज को डैश कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यूमरिक कीज। यानी आप देखे होंगे कि यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो कैलकुलेटर स्टाइल में जो है आपका कीपैड में जो नंबर दिया रहता है, उसको हम लोग न्यूमरिक कीज बोलते हैं। और इसके अलावा जो है आपका यहाँ पर भी रहता है 0 यहाँ नहीं रहता, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके होता है, 9 के बाद 0 होता है, तो ऊपर में भी होता है और राइट साइड में भी होता है। तो न्यूमरिक कीपैड हम लोग राइट साइड वाले को भी बोलते हैं, यानी नंबर वाले कीज को न्यूमरिक कीपैड बोलते हैं, हालांकि सबसे ज़्यादा यूज हम लोग राइट साइड वाले जो नंबर होते हैं उनका यूज करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेवन है, टर्मिनल जो किसी इंफॉर्मेशन को
प्रोसेस नहीं कर सकता उसे डैश कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी डंब टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो इसमें देखा जाए तो एमएस विंडोज, एप्पल, एमएस डॉस और विंडोज एनटी, तो इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी एप्पल। बाकी आप यहां से विंडोज डॉस और विंडोज एनटी ये तो आप जान रहे होंगे कि कंप्यूटर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एप्पल क्या है कि एक ब्रांड है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक ब्रांड है, एक कंपनी का नाम है, उसी तरह एप्पल भी क्या है, एक कंपनी का नाम है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते होंगे, कंप्यूटर को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हालांकि हम लोग उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9 है, विंडोज में फाइल्स जब डिलीट हो जाती है तो बाय डिफॉल्ट उन्हें डैश में भेजा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी रिसाइकल बिन। यानी कहने का मतलब, जब हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो उसमें आप देखे होंगे जब किसी फाइल्स या किसी फोल्डर को डिलीट किया जाता है तो डिलीट होने के बाद वो डिफॉल्ट आपका कहाँ चला जाता है, रिसाइकल बिन में। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट, किसी फाइल को या किसी फोल्डर को शिफ्ट के साथ अगर आप डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में भी नहीं जाता है, लेकिन नॉर्मली डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में जाता है, और बाद में आप चाहें तो रिसाइकल बिन से रिकवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व भर में बहुत से कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क निम्नलिखित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी इंटरनेट। यानी पूरे वर्ल्ड में कंप्यूटर को जोड़ने वाला जो नेटवर्क है क्या है, आपका इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, बहुत सारे नेटवर्क्स का एक क्या है, नेटवर्क है, जिसपे लाखों करोड़ों कंप्यूटर क्या होता है, आपस में जुड़ा होता है। और वो नेटवर्क आपका किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र का हो, चाहे बिजनेस के लिए हो, चाहे सरकारी नेटवर्क हो, किसी भी तरह के नेटवर्क से जुड़ के आप डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी स्प्रेडशीट। यानी कहने का मतलब क्या है कि वर्कशीट जैसा होता है, मतलब आप एक्सेल के बारे में जानते होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है कि एक टेबल वाला एप्लीकेशन होता है जिसपे टेबल दिखाई देता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं। और हालांकि स्प्रेडशीट जो लिखा हुआ है, स्प्रेडशीट को हम लोग अपने भाषा में टेबल भी कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है, रो होता है और कॉलम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, एमएस वर्ड में नया पृष्ठ प्रारंभ करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कंट्रोल इंटर की। यानी अगर आप एमएस वर्ड पर वर्क कर रहे हैं और उस पर अगर नया पेज लाना होगा तो उसके लिए कीबोर्ड से क्या करना, कंट्रोल के साथ, यानी कीबोर्ड में क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ इंटर बटन क्या करना होगा, आपको प्रेस करना होगा। हालांकि सिर्फ इंटर करते हैं आप तो क्या होता है, लाइन चेंज होता है, लेकिन कंट्रोल के साथ जब आप इंटर करेंगे तो क्या होता है, नया पेज आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, आउटपुट एक्सप्रेस एक डैश है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी ईमेल क्लाइंट। यानी आउटपुट एक्सप्रेस का एक ईमेल का एक क्लाइंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी अगर सही बात है कि कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, यानी आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। यानी कंप्यूटर पर वर्क करने के लिए, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पे
होना चाहिए। इस कारण से आप देखे हुए कंप्यूटर में दो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डिफॉल्ट दिया जाता है, एक आपका यहाँ से विंडोज और दूसरा उसके साथ डॉस दे दिया जाता है, क्योंकि विंडोज में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो डॉस की मदद से क्या कर सकेंगे, हम फिर से नया विंडोज इंस्टॉल कर पाएंगे। अगर विंडोज सिर्फ हो और विंडोज में प्रॉब्लम होगा तो सिस्टम ऑन नहीं होगा, सिस्टम बूट नहीं होगा, जिसके जरिए हम क्या कर सकेंगे, कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, जब आप किसी पेज से कोई टेक्स्ट किसी अन्य पेज पर ले जाना चाहते हैं तो उसकी श्रेष्ठ पद्धति डैश है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कट एंड पेस्ट। सही बात है कि अगर किसी पेज से कोई टेक्स्ट को अगर किसी दूसरे जगह ले जाना, किसी दूसरे पेज पर ले जाना है, तो जैसे आपको क्या करना हो, कट एंड पेस्ट करना हो। मान लीजिए कि ये पेज है और यहाँ पर भी कहना कि हम एक पेज बना दिए, यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ, इस टेक्स्ट को अगर हमको यहाँ पर लाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद कट करेंगे। जैसे कट करेंगे ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर क्या करेंगे, कर्सर जो होता है ब्लिंक कराएंगे ताकि कर्सर यहाँ रखेंगे और जैसे ही पेस्ट करेंगे तो वो टेक्स्ट आपका क्या शो करेगा, यहाँ पर शो करेगा। और ये काम करने के लिए कट और पेस्ट के लिए क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस करेंगे तो कट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ आप यहां से भी प्रेस करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन रन करने की ऑपरेटिंग की क्षमता को डैश कहते हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मल्टीटास्किंग। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जिस पे जो है एक से अधिक एप्लीकेशन को रन करना को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मतलब एक से ज़्यादा टास्क को पूरा कर सके, जैसे एक बार में एक काम कर रहे हैं तो सिंगल टास्किंग हो, लेकिन एक ही साथ एक बार में ज़्यादा काम हम लोग कर रहे हैं वो क्या कहलाता है आपका, मल्टीटास्किंग। जैसे आप जो देख रहे होंगे, जैसे गाना भी बजा रहे हैं, टाइपिंग भी कर रहे हैं, ईमेल भी, नेट भी चला रहे हैं, तो ये सब चीज़ ऐसा होता है कि एक बार में एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग। और आपका जो विंडोज जो हम लोग यूज करते हैं ना, ये आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश नॉन न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी क्या होगा, एम्प्लॉय एड्रेस। ठीक है, नॉन न्यूमेरिक, न्यूमेरिक डाटा मतलब समझ रहे हैं, जो नंबर वाला डाटा नहीं है, है ना, बाकी जो एग्जामिनेशन स्कोर, बैंक सेस, ये सब सारा जो है ना क्या है आपका, न्यूमेरिक डाटा में होगा, लेकिन एम्प्लॉय एड्रेस जो होता है ये आपका क्या होता है, नॉन न्यूमेरिक डाटा होता है। डाटा मतलब कंप्यूटर में जो भी कुछ आप इनपुट देते हैं वो क्या होता है, डाटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोडबद्ध एंट्रीज को डैश कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पासवर्ड। यानी कंप्यूटर सिस्टम में जैसे मान लेते हैं कि अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और उस पर किसी जगह पे अगर कोड लगा हुआ है तो कोड को एक्सेस करने के लिए, उस कोड को जो हमको एक्सेस करना होता है, जैसे सीधे भाषा में समझिए ना कि हम लोग उसको पासवर्ड बोलते हैं। कहने का मतलब कहीं पर कुछ काम करना है या कहीं किसी पेज पर या किसी कंप्यूटर पर, तो उस जगह पर क्या होता है ना कि कोड लगा दिया जाता है कि आप वहां पर इंटर करने के लिए ना पहले कोड डालना होगा, तो कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पासवर्ड कहते हैं, सीधे है ना। ऐसा सब लोग जानते होंगे कि कहीं पर भी कुछ करना होता है तो ज़्यादातर क्या होता है, वहाँ पर पासवर्ड लगा दिया जाता है। पासवर्ड अगर आप देंगे तो एंट्री कर पाएंगे, अगर पासवर्ड नहीं होगा तो एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो वही कोडबद्ध एंट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पासवर्ड। क्वेश्चन नंबर 19 है, रीड ओनली मेमोरी ROM की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है। तो पहले आप यहाँ से रोम के बारे में जानिए, रोम क्या है, प्राइमरी मेमोरी का एक टाइप है जिसमें बताया गया था रैम और रोम, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी, तो इसकी कौन सी विशेषता उपयोगी बनाती है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी रोम में डाटा नॉन वोलेटाइल्स होता है, अर्थात इलेक्ट्रिकल पावर के भी यह रहता है।
तो जैसे आप रैम के बारे में जानते होंगे कि रैम क्या है, एक वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब पावर डिपेंडेंट मेमोरी, यानी अपने अंदर डाटा तब तक रखेगा जब तक कि सिस्टम आपका चल रहा है, लेकिन जैसे ही सिस्टम बंद होगा तो रैम के अंदर का सारा डाटा डिलीट हो जाता है। लेकिन रोम में ऐसा नहीं है, रोम आपका नॉन वोलाटाइल मेमोरी है और ये पावर ऑफ होने के बाद भी आपका रोम क्या करता है, डेटा स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए अनुदेशों की श्रृंखला या प्रोग्राम को कंप्यूटर पर रन की जा सकने वाले अनुदेशों या प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया का नाम क्या है, जिसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कंपाइलिंग। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर पर जो आप हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम को क्या करते हैं कि मशीन लेवल लैंग्वेज में यानी लो लेवल लैंग्वेज में जो कन्वर्ट होता है, तो कन्वर्ट जो होता है तो इसको क्या करता है, ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो ट्रांसलेटर जो होता है वो क्या होता है आपका, कंपाइलिंग बोलते हैं हम लोग, है ना। यानी ट्रांसलेटर के बारे में जानेंगे तो दो तरह का होता है, एक इंटरप्रेटर और दूसरा कंपाइलर। तो जो कंपाइल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाइलिंग करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, डैश रो फैक्ट्स रिप्रेजेंट करता है जबकि अर्थपूर्ण बना हुआ डाटा है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी डाटा और इन्फॉर्मेशन। यानी यहाँ पर दो जगह है कि ब्लैंक होगा, कि आपका एक तो यहाँ पर होगा कि डैश रो फैक्ट्स रिप्रेजेंट करता है जबकि डैश अर्थपूर्ण बना हुआ डाटा है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि डाटा रो फैक्ट्स रिप्रेजेंट करता है जबकि इन्फॉर्मेशन अर्थपूर्ण बना हुआ डाटा है। तो सही बात है कि कंप्यूटर में क्या होता है ना कि जब आप जो भी कुछ इनपुट करेंगे वो क्या होता है, डाटा होता है, और डाटा पर प्रोसेस होने के बाद, फुल्ली कंप्लीट होने के बाद जो एक अर्थपूर्ण डाटा देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, है ना। एक तरह का ऐसा समझिए कि रिजल्ट को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन्फॉर्मेशन। जैसे मान लेते हैं 4+2 दिए तो रिजल्ट यहाँ से 6 दिया, तो 6 जो दिया हालांकि प्रोसेस तो इन दोनों पर हुआ, लेकिन ये जो 6 जो है रिजल्ट जो बोलते हैं, आउटपुट जो बोलते हैं, उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है आपका एक अर्थपूर्ण डाटा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस प्रयोक्ता को इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा यानी मॉनिटर। यानी इसके अलावा आप वहाँ जान रहे हो कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, स्पीकर, ये सब क्या है कि कीबोर्ड के जरिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इनपुट देते हैं। बाकी हार्ड डिस्क तो कंप्यूटर का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, और स्पीकर तो क्या है कि कंप्यूटर का ना आउटपुट देने के लिए होता है, वो भी साउंड आउटपुट के लिए हम लोग स्पीकर का यूज करते हैं। इसका मतलब जो डिवाइस जो है आपको इन्फॉर्मेशन को दिखाता है वो आपका क्या है, मॉनिटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, ISDN का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। यानी ISDN का एक तरह का नेटवर्क है, डिजिटल नेटवर्क है, जो कि इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। और दोस्तों ये सब मैक्सिमम जो फुल फॉर्म होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसके पहले ही हम बता चुके हैं कि सब जितना भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये सारा क्वेश्चन जो है आपका जो है एक सेट का है। यानी किसी एग्जाम में आपका 30 क्वेश्चंस पूछा गया था, वो सारा क्वेश्चंस हम आपके इस वीडियो में डाल दिए। तो हालांकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सब वीडियो आपका इम्पोर्टेंट है, ये सब क्वेश्चंस आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के रिसोर्स की शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की अत्यधिक संभावना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी प्रिंटर्स। यानी कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के रिसोर्स की शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की अत्यधिक संभावना है, तो राइट आंसर क्या होगा, प्रिंटर्स। प्रिंटर के बारे में जानते होंगे, कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी कुछ डाटा आपका दिखाई दे रहा है उस डाटा को पेज पर छापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंटर का यूज करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 है, स्क्रीन की किसी मद को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयुक्त पद कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रैग एंड ड्रॉप। यानी कहने का मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है और उसको क्या करना, माउस का जो है प्रयोग करते हुए आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, जिसको पकड़ने के लिए, इसको उठाने के लिए यहाँ से क्या है, ड्रैग। ड्रैग करने का मतलब होता है कि माउस का बटन दबाते हुए उस टेक्स्ट पर, उस ऑब्जेक्ट पर बटन दबाते हुए क्या करना, आपको खींचना है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं। और जहाँ पर छोड़ना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉप, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि किसी, ऐसा भी समझ सकते हैं आप कि जो कट और पेस्ट करते हैं ना, सेम उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। यानी पकड़ के खींचना ड्रैग कहलाता है और वहाँ पर छोड़ देना ड्रॉप कहलाता है, ये माउस की मदद से। बाकी आप तो कॉपी पेस्ट कर रहे, सॉरी कट पेस्ट कर रहे, वो तो आप कीबोर्ड की मदद से कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स यानी उपकरणों के बीच सूचना डैश के माध्यम से ट्रैवल करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बसेस। यानी जैसे होता क्या ना, बसेस मतलब आप जान रहे हो, जैसे बस समझते होंगे ना कि डेटा, बस क्या होता है, पैसेंजर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। तो कंप्यूटर में भी क्या होता है ना कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है, तो मदरबोर्ड के अंदर जो कंपोनेंट्स होता है, उपकरण जो होता है, उसके बीच जो सूचना जो जाता है बस के मदद से जाता है, है ना। बस आपका जो है एक तरह का जो है नेटवर्क का एक टाइप है, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, यूपीएस का कार्य है, यूपीएस पूरा नाम आप जानते होंगे, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ज़्यादातर पावर कट का जहाँ पर प्रॉब्लम होता है वो लोग आपका जो है यूपीएस का यूज करते हैं। अगर बैटरी इन्वर्टर ना हो तो आप यूपीएस का यूज करेंगे। तो यूपीएस का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। यानी लगातार क्या होता है कि कंप्यूटर को जो है विद्युत आपूर्ति करता रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी नेटवर्क में संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। यानी नेटवर्क में संचार स्थापित करने के लिए प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो भेजने वाला है, जो रिसीव करने वाला, वो चाहिए, माध्यम चाहिए, और भेजने और प्राप्त करने की कार्य विधि चाहिए। तो ये सब सभी जो है क्या है आपका उसमें इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, भारत सरकार की ब्रॉडबैंड नीति के अनुसार इसके डाटा स्थानांतरण की क्षमता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका जो है सी, यहाँ पर गलत हो गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा, 256 kbps। यानी अगर इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे तो अक्टूबर 2004 में घोषित भारत सरकार की ब्रॉडबैंड आपका जो है, कहने का मतलब ये जो ब्रॉडबैंड है ये अक्टूबर 2004 में घोषित किया गया और इसकी नीति के अनुसार 256 kbps क्षमता वाले डाटा स्थानांतरण को ब्रॉडबैंड का नाम दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है और क्वेश्चन लास्ट होगा कि उपग्रह के जरिए संचार स्थापित करने पर एक व्यक्ति की आवाज दूसरे व्यक्ति की सुनाई पड़ती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 270 मिली सेकेंड बाद। यानी अगर आप देखा जाए तो उपग्रह के जरिए संचार स्थापित करने पर ध्वनि के स्थानांतरण में 270 मिली सेकेंड का समय लगता है। अतः एक व्यक्ति की आवाज़ दूसरे व्यक्ति को सुनाई देने में 270 मिली सेकेंड का समय लगता है। तो इसके बाद दोस्तों ख़त्म। ये चलिए दोस्तों, ये था आपका 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रश्न पहले भी बता चुके कि पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।